हंगामे की राजनीति में विश्वास रखने वाली शिवसेना एक बार फिर से लाइमलाइट में है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शहरयार खान और बीसीसीआई प्रमुख शशांक मनोहर की मुंबई में होने वाली बैठक से पहले शिव सैनिकों ने बीसीसीआई दफ्तर पर हमला बोल दिया। हंगामा इतना जोरदार था कि ये बातचीत स्थगित करनी पड़ी। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने बीसीसीआई दफ्तर में घुसकर शशांक मनोहर और शहरयार के खिलाफ नारेबाजी की। शिवसेना कार्यकर्ता धमकी दे रहे थे कि चाहे जो हो जाए वे भारत पाकिस्तान के बीच सीरीज नहीं होने देंगे। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शिव सैनिकों को हिरासत में लेकर मामले को शांत जरूर करा दिया, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ये शांति कितनी देर के लिए है। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच दिसंबर में सीरीज प्रस्तावित है, लेकिन अभी इसका होना तय नहीं है। दोनों देशों के क्रिकेट संबंधों की बहाली के लिए पीसीबी चीफ शहरयार खान और सचिव नजम सेठी भारत दौरे पर हैं। दोनों का ही बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर और सचिव अनुराग ठाकुर से मिलने का प्रोग्राम तय है, लेकिन शिव सैनिकों का हिंसक विरोध इस मुलाकात पर खतरे के साए की तरह मंडरा रहा है। शिवसेना की ओर से किए गए प्रदर्शन के बाद बीसीसीआई हेड ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विरोध प्रदर्शन के बाद बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर और पीसीबी प्रमुख शहरयार खान के बीच बातचीत टाल दी गई है। हालांकि बीसीसीआई के अधिकारी राजीव शुक्ला ने साफ कर दिया है कि बातचीत रद्द नहीं हुई है। मनोहर और खान एक दूसरे से बात करेंगे और ये बातचीत दिल्ली में होगी। राजीव शुक्ला ने शिवसेना के विरोध की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि किसी पूर्वाग्रह से जुड़ने से पहले शिवसेना को रुकना चाहिए, पहले मीटिंग होने दें, फिर आगे जो हो उस पर फैसला करें। हिंसा के जरिए अपना विरोध जताने को अपना संवैधानिक अधिकार समझने वाली शिवसेना अपने हंगामों पर तर्क देती है कि ये हंगामा नहीं देश की भावना है। इससे पहले हाल ही में शिवसेना ने पाकिस्तानी गायक गुलाम अली के कार्यक्रम का विरोध किया था, जिससे कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। यही नहीं, अभी हाल ही में शिव सैनिकों ने बीजेपी से जुड़े सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर स्याही पोत दी थी। कुलकर्णी ने शिवसेना के विरोध को पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी की किताब का विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया था। हालांकि शिवसेना के बढ़ते हंगामों पर अब केंद्र और महाराष्ट्र की सरकार सख्त होती दिख रही है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शिवसेना के विरोध को साफ तौर पर गुंडागर्दी करार दिया और कहा हिंसा किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, भले ही विरोध प्रदर्शन कितना भी जायज क्यों ना हो, किसी भी लोकतंत्र में गुंडागर्दी के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। अब देखना होगा कि पहले से ही केंद्र और महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार का पुरजोर विरोध कर रही शिवसेना नकवी की इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेती है। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब फॉलो एंड लाइक।